क्रेटा 2022 आज गेस द मॉडल नहीं, आज कुछ डिफरेंट है वीडियो बनाने का। हर वक्त मैं आप लोगों को बताता रहता हूं क्रेटा गेस द मॉडल 2021 2022 ओल्ड क्रेटा। कस्टमर का फोन आया कि हम ओल्ड क्रेटा वालों को मत भूलिए, इसमें भी कुछ ना कुछ न्यू इनोवेटिव आइडिया के साथ आई है। तो मैं प्राउडली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं विगाटोस फर्स्ट ओल्ड क्रेटा विद द एन लाइन का स्पॉइलर के साथ है। ये कार में स्पॉइलर लग के नहीं आता है, लेकिन अब एक स्पॉइलर लगने से द लुक ऑफ द कार, द स्टनिंग स्पॉइलर जो स्पोर्ट स्पॉइलर है हमने ओल्ड क्रेटा में इंट्रोड्यूस किया है और न्यू क्रेटा में भी इंट्रोड्यूस करूंगा। एक स्पॉइलर लगने के बाद द लुक ऑफ द कार आप लोगों के सामने है। यस, द इंस्पायर फ्रॉम द स्टनिंग स्पॉइलर है। आप देख सकते हैं साइड में एक एन लाइन की भी आपको बैजिंग भी साथ में आप लोगों को मिलेगी। अल्टीमेट है, लेकिन एक स्पॉइलर के बाद लुक ऑफ द कार किस तरीके से आता है। अब ये क्रेटा में, अभी ये पूरी गेज़ा मॉडल है आप लोगों के सामने। फ्रंट में ग्रिल, स्किड प्लेट्स, एवरीथिंग वी हैव इंस्टॉल। 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील एंड साइड की स्किड प्लेट्स भी हमने इंस्टॉल की है। लेकिन मेन मैं हर वक्त आप लोगों को बोलता हूं, इन्वेस्टमेंट सीट में करनी चाहिए दोस्तों। आइसोफिक्स के साथ आती है, इसके इतने बेनिफिट है। सबसे पहले जिस तरीके, मतलब मैं जो बैठ रहा हूँ ना, जो ड्राइविंग तो नहीं बोल सकता हूँ, जो पीछे बैठने वालों को जो प्लेजर आता है एक अलग है, लेकिन जेन्युइन। ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, 60-40 है, आर्मरेस्ट आती है, लेकिन इट्स सो कम्फर्टेबल दोस्तों। मैं बोलूँगा अगर क्रेटा कार है तो ये चीज़ में आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ एक ब्रैकेट लेना पड़ता है और सीट इंस्टॉल हो जाती है और जेन्युइन ही है। अभी मैं आप लोगों को बोलूंगा क्यों क्रेटा गेज़ा मॉडल बनाना जरूरी है। अभी देखिए ना, ग्रिल लगी है, ना स्किड प्लेट्स लगा है और ना ही एलॉय व्हील्स लगे हैं। गाड़ी वो ही है दोनों भी, लेकिन आप लोगों के सामने है एक एक चीज जो हम खर्चा करते हैं वर्थ है कि नहीं। लेकिन जाते आते एक थार भी आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से हमारी सीट कवर की इंस्टॉलेशन है। द न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस टॉप गियर का आया है, जो हमने ब्लैक एंड रेड कलर का ये कार के अंदर फिट कर रहे हैं दोस्तों। अभी यही कार है, अभी मैं आप लोगों को सीट में, यही कार है, यही सीट है, लेकिन मैं जिस तरीके से बैठा हूं इसमें कोई रेक्लाइनर नहीं आता है, कोई आर्मरेस्ट नहीं आती, कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आती, सेम पोजीशन के साथ है दोस्तों। लेकिन फर्क है, बैठने में फर्क है। अगर कंपनी टॉप एंड वेरिएंट में अगर वो सीट्स वगैरह हमें दे रही है कुछ डिफरेंट, तो फर्क है। तो गो फॉर दी जेन्युइन, गो फॉर दी क्वालिटी, मैं हर वक्त आप लोगों को बोलता हूँ। ओनर ऑफ द कार मिस्टर विशाल सर, कहाँ है विशाल जी? कशी वाटली, गेस द मॉडल बनाना वर्थ है क्या नहीं सर? अरे एकदम वर्थ है। बहुत क्या होता है, हम सिर्फ आए तनवीर भाई को देख के और बाद में बोला तनवीर भाई आपको जो चाहिए जेन्युइन, जितना जेन्युइन है उतना लगाया उन्होंने, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोला है डायरेक्टली। तो सामने गाड़ी है, आप देख लो। फर्क आप लोगों को बता दिया है कि गेस द मॉडल बनाना फर्क है क्या नहीं है। अभी ये ओल्ड क्रेटा सिर्फ स्पॉइलर के लिए नहीं आई है दोस्तों, इसके अंदर एक्टिव एम्बियन लाइट, सोनी ES सीरीज के चारों कंपोनेंट, अल्टीमेट वी हैव डन वर्क। साहेब कशी वाटली कुठून? MH42 सांगली से आए हैं। साहेब कैसा लगा? एकदम अच्छा। वर्थ है कि नहीं आना और एक एक चीज में? हाँ, अच्छा है। साउंड सिस्टम सोनी ES सीरीज इनकी कार के अंदर पूरा हमने इंस्टॉल किया है एंड द नेक्स्ट लेवल आउटपुट जो हमें मिल रहा है। लेकिन स्पॉइलर आपके सामने इंस्टॉलेशन चल रहा है, द स्टनिंग स्पॉइलर। आज वीडियो बनाने का पर्पस कुछ डिफरेंट था, ऐसा नहीं है कि पूरा गेज़ा मॉडल आज दिल था। ये जो स्टनिंग स्पॉइलर हमने ये कार में इंट्रोड्यूस किया है, नवी कार में भी आऊँगा क्योंकि इसमें रेगुलर टू टोन ही आता है, लेकिन अगर स्टनिंग स्पॉइलर स्पोर्ट्स एनलाइन का लगेगा तो उसकी कुछ बात ही कुछ और रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।